नागौर बाबा श्याम शहीद का मनाया बड़ा उर्स। नागौर गिनानी तालाब के पास बरसों से बनी दरगाह शेख हिसामुद्दीन जो बाबा श्याम शहीद के नाम से जानी जाती है, जिनका दिनांक 18 जुलाई मुहर्रम की उर्दू तारीख 11 को बड़ा उर्स मनाया गया। इस उर्स के मौके पर जियारत करने जायरीनों का आना जाना लगा रहा। साथ ही शाम को दरगाह कमेटी के समाज सेवी टिंकू खान के द्वारा दाल व दलिया की कबूली की देग बनाई गई और फातिया नियाज लगाई गई। साथ ही इस मौके पर छोटे बच्चों की करीब आधा 1 किलोमीटर तक दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें पहले नंबर पर आने वाले बच्चे बच्चियों को दरगाह कमेटी की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस उर्स पर समाज सेवी टिंकू खान ने दरगाह में चादर पेश की और भारत और नागौर में अमन चैन की दुआएं मांगी। साथ ही अल्लाह ताला के साई फकीर बाबा लोगों ने अलग अलग करतब पेश किए। आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को कुल की रस्म के साथ उर्स का होगा समापन। वही तो मैंने ये ले लो नहीं ये रही कार ऊपर ले लो ये वाली आ जाएगी ऊपर इसे ले लो ऊपर ऊपर रखो भाई साहब उधर रखो पति गिरा तो उस पर ही गिरा हाँ जिनकी जुल्फों पे कुर्बान बहारे हरम जिनकी अजमत
मत पे सदके वकारे हरम नौशहे बज में पर वर्दिगारे हरम शहे बरसान ही किस जगह और कहां तेरा कब जान ही एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत खुद मौजूद थे मोहम्मद रसूल खून बह रहा था आले रसूल ऐ जमी ऐसा एहसान हर गिज़ ना भूल कितने बिखरे हुए रसूले खुदा सुन लो मेरी सदा आपके दर पे आऊं मैं अदना गदा थाम कर जालिया और पढ़ूं बरमला मुझसे खिदमत खुद सीखा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शमे बस में हिदायत पे लाखो सलाम अस्सलाम ए अल्लाह के प्यारे रसूल सलाम आज़िज़ाना ओ हम सब का कबूल तू सखी तेरा सखी दरबार है अब करम कर दो तो बेड़ा पार है हो चुकी ताज़ीम बस की जो कबूल बैठ जाओ पढ़ के मोमिन अब हजरत पर दरूद थोड़ा ना हो तो हेलो बेटा आम साम
तमाम नागों के अवाम को और दरगाह खाले समरिन बाबा और शमशेर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के जारिनों को जानकर खुशी होगी कि आज हज़रत काजी अहमद नागौर रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ख्वाजा इसामुद्दीन और शमशेर बाबा रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक है। और आप हज़रत काजी अहमद नागौर रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली के महरौली शरीफ में आप आराम फरमा रहे हैं उन्हीं के आप साहबजादे हैं। और ये इनके एक साहबजादे हैं मौलाना मीर ज़हीरुद्दीन इब्न काजी अहमद नागौर रहमतुल्लाह अलैह लोहारपुरे की दरगाह हज़रत खोई बादशाह रहमतुल्लाह अलैह हमीदुल खोई उर्फ खोई बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मदफन है। और उनके एक भाई और हैं कुल मिला के कुल छः भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। एक ख्वाजा इसामुद्दीन शामशीद हैं, एक वजीउद्दीन बाबा है, एक रजीउद्दीन बाबा है आपके साहबजादे काजी नागौर रहमतुल्लाह के साहबजादे हैं। और इन्हीं का आज ये उर्स मुबारक मनाया जा रहा है और आप बड़े बरकत और बा करामाती बुजुर्ग गुजरे हैं। अस्सलाम। तो इसमें ये बताइए कि क्या बरकती है इनके अंदर आपके दरबार में जो भी जायरन अपनी जो भी जायजाज पूरा तमन्ना लेके आता है आप रख की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्ले शान हो इनकी दुआओं को फैलो उनकी तमाम जायज हाजिर मुराद तमन्नाओं को पूरी फरमाते हैं। तो इनके ये छः भाई थे तो कहाँ कहाँ पे हैं इनके एक भाई अभी जैसे मैंने बताया हजरत हमीदुद्दीन खोई रहमतुल्लाह अलैह और खोई बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें रोज़ा पीर के नाम से जानते हैं वो लोहारपुरे में जो स्थित दरगाह है तोप चौक में वहाँ पर इनके सबसे बड़े भाई हजरत मौलाना पीर ज़हीरुद्दीन इब्न काजी अहमद नागौर रहमतुल्लाह अलैह। और एक भाई इनके जहाँ पर आखिरी बुत का मेला भरा जाता है जिन्हें लोग झाड़ी पीर कहते हैं इनके वो भाई उनका नाम वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और झाड़ी पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है। और एक मुंदलाओं में जो है जहाँ मुंदला वाले बाबा कहते हैं उनका सही नाम रजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा रजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो मुंदला वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर मारूफ है। इनका नाम क्या है इनका असली नाम ख्वाजा इसामुद्दीन उर्फ में शामशेद रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर है। और आपने यहाँ बहुत पहलवानी करवाई है और किए जिनके नाम से आदमी यहाँ अखाड़ा चलता है और यहाँ के खिदमत गुजार अच्छे से खिदमत करते हैं और आज भी पहलवानी और अखाड़ा के गुर सिखाते हैं। ये कहाँ से आए थे ये दिल्ली से यहाँ तशरीफ लाए